सभागृह नेता परेश ठाकुर ने किया मच्छी मार्केट का दौरा, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। एक समाचार पत्र में आयुक्त के हवाले से खबर फैली थी कि कोलीवाड़ा की मच्छी मार्केट स्थानांतरित की जाएगी, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में अफरा तफरी फैल गई थी। बता दें कि यहाँ के ज़्यादातर लोगों का व्यवसाय मछली बेचना है, ऐसे में यदि बाजार का स्थानांतरण होता है तो लोगों के व्यवसाय पर असर पड़ेगा, इसलिए लोग डरे हुए थे। लोगों का भय दूर करने के लिए पनवेल सभागृह नेता परेश ठाकुर ने मच्छी मार्केट का दौरा किया और मार्केट स्थानांतरित नहीं किए जाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मार्केट स्थानांतरित करने का निर्णय आयुक्त महासभा में चर्चा के बिना अकेले नहीं ले सकते, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। शेतकरी कामगार पक्ष हा त्यांच्याकडे कोणता कार्यक्रम राहिलेला नाहीये, म्हणून अशा प्रकारे आग लावण्याचं भांडणं लावण्याचं या इथं काम करतंय। त्यांच्या या प्रवृत्तीचा मी इथे निषेध करतोच, आणि अशा प्रकारचा कोणत्याही चर्चेमध्ये सुद्धा नाहीये। असेल तर ते महासभेसमोर येईल, आणि महासभा म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि रिपब्लिकन पक्ष कोळीवाड्यातील पंच कमिटी आणि समाज यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय त्याच्यावरती अंमलबजावणी होणार नाही, असं या इथे मी परेश ठाकूर इथे मी शब्द देत आहे। स्पेशल डेस्क टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।